सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आप लोग बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रियांशु भाई हमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लिखना आता, तो आप मेरी मदद कर सकते हो। मुझे बहुत सारी इनबॉक्स आ रहे थे, डीएम आ रहे थे। तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे डीएम कर दिया करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा डिटेल्ड, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है, ठीक है। और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो के एंड में बने रहना, मैं आपको इसका फॉर्मेट दे दूंगा जिस फॉर्मेट में आपको लिखना है, और मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको आप यूज़ करके ईज़ली आप अपनी SOP अच्छे से लिख सकते हो। और SOP अगर किसी को पता नहीं है, उसका फंक्शन होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपका जो वीज़ा होता है वो सारा मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड होता है आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें ये बताता है कि आप क्यों कैनेडा आना चाहते हो, आप क्यों दूसरी कंट्री में आना चाहते हो, आप इस कॉलेज में ही क्यों आना चाहते हो, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, मे बी किसी की हेल्प हो जाए। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, SOP लिखने से पहले आपको ये देखना है कि उसकी इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, कि इंस्ट्रक्शंस कौन से इंस्ट्रक्शंस अगर आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, कि क्या कौन सा कॉलेज है, व्हाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी, आप ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हो, इसके पीछे क्या रीज़न है और आप क्यों आना चाहते हो। एक बार ना आप उस कॉलेज की इंस्ट्रक्शंस देख लो, उसकी वेबसाइट पे जाके आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि उन्हें क्या क्या चाहिए, उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। कॉलेज को जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो तो कॉलेज की ना इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। आप अपने एजेंट से पूछ लेना कि कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं SOP की कि नहीं, वो आपको इंस्ट्रक्शंस बता देंगे। आपको पहले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू वांट टू कम टू कैनेडा, ये सारी इंस्ट्रक्शंस है। पहले आपको उसको जानो कि इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं। तो फर्स्ट टिप यही है कि सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना है कि आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप IELTS का एग्ज़ाम भी देते हो, जब भी कोई एग्ज़ाम देते हो ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, नॉट मोर देन 2 वर्ड्स। तो कई इंस्ट्रक्शंस SOP में भी इंस्ट्रक्शंस काम आती है, तो उस पर ध्यान दे दो आप। सेकेंड चीज़ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं बच्चों के अंदर क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ की, मैं बचपन से ये कोर्स करना चाहता था, मेरा बचपन से डिज़ायर था, बचपन का सपना था कि मैं स्टडी अब्रॉड करूं, मतलब बाहर जाके स्टडी करूं अपनी फील्ड में, मैं ये करूं, बहुत सारी चीज़ें वो मेंशन कर देते हैं जिसकी ज़रूरत तक नहीं होती है। तो ट्राई करो कि आप वो चीज़ें मेंशन मत करो, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी SOP तो लंबी हो जाएगी। उन लोगों को ये बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बचपन में क्या बनने वाले, बचपन से क्या सोचते थे, उन लोगों को ये बात से फ़र्क पड़ता है कि आप क्यों आना चाहते हो और क्यों, मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, ठीक है। और थर्ड टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अपनी प्लीज़ ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है, ग्रामर मिस्टेक है, प्लीज़ वो मत करना। अदरवाइज़ जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेजेस है, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, वो ये सोचेंगे कि ये बंदा तो सीरियस ही नहीं है, अगर इसकी SOP में इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इधर आके मिस्टेक करेगा। तो SOP तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, तो उसके लिए आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हो। उसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लो, 2-3 महीने की या 1 महीने की, वो आपका टाइम सेव कर लेगी और आपको ग्रामर में भी इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास जो आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो वो अच्छा नहीं पढ़ता है ना, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। फोर्थ टिप ये देना चाहता हूँ, अपनी SOP को इतनी लंबी मत लिखो, 500-800 के वर्ड्स के अंडर ही रखो। इतनी ज़्यादा लंबी SOP लिखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर आप लंबी SOP लिखते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो लंबी SOP मत लिखो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर मैं आपको एक टिप देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, अपना मैसेज कन्वे करो, ठीक है। ये ना हो कि आप एक पैराग्राफ में अलग चीज़ें बोल रहे हो, अगले पैराग्राफ में अलग चीज़ें बोल रहे हो। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसके बाद आपका आना चाहिए बैकग्राउंड, राइट। और बैकग्राउंड में भी कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लोग अपनी जॉब बता रहे थे कि वो मैकडॉनल्ड्स या पिज़्ज़ा स्टोर्स में काम करते थे। आपकी जो स्टडी के रिलेटेड जो जॉब है, वही मेंशन करना अगर आप करते हो। और प्लस आप अपने प्रोजेक्ट्स को इतना ज़्यादा डिस्क्राइब मत कर देना कि आप अपना एक्सपीरियंस, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये, आप रेज्यूमे नहीं बना रहे हो, आप SOP बना रहे हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप SOP बनाते हो,
तो ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि लेंथी नहीं होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट कन्वेइंग मैसेज होना चाहिए और फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ़्लो नहीं बन रहा, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक फ़्लो नहीं बन रहा, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, जब भी आप एसओपी लिख रहे हो तो पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट देखो, उसका क्या फॉर्मेट है, ठीक है। तो वो चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई कैसे करना है, अपने आप को ये भी बताना है कि आप पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स है, आप कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जाने के बाद आप कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। मे बी आपको कोई स्किल आती हो, आप उसके बारे में मेंशन करो ताकि आप एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर पाओ। अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे, अपने आप को प्रॉपर बताओगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, डेफिनेटली आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये सारी मेरी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो, और गलतियां थी जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए एसओपी के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट के लिए। तो आई होप आप लोग फॉर्मेट लिख लो, नोटबुक ले लो, अभी वीडियो को पॉज कर दो और फॉर्मेट लिख लो। चलो आप वीडियो पॉज कर लो और वो फॉर्मेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो लिख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला फॉर्मेट आएगा इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे तो इंट्रोड्यूस करने के बाद आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो, आपने क्या स्टडी किया, फिर सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा आपके स्टडी के रिलेटेड, आपने क्या स्टडी की है, कहाँ से स्टडी की है और कितनी स्टडी की है, ठीक है। एकेडमिक एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस। और ये जब वर्क एक्सपीरियंस आएगा, आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। और इन द लास्ट कंक्लूजन आएगा, 4 से 5 पैराग्राफ होंगे और वो 5 पैराग्राफ अंडर 500 वर्ड्स मिनिमम, मैक्सिमम 600-700 वर्ड लिख सकते हो, उसके अलावा ज़्यादा वर्ड्स मत लिखना, अदरवाइज आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो अगर आपको फॉर्मेट चाहिए नीचे डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ईच एंड एवरी पर्सन। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।